अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि आपको पता है आजकल बकरीद का सीज़न चल रहा है और मंडी में हाईवे पर बहुत ज़्यादा रश है और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ कराची में फ़ाइनली बारिश हो गई है। और ये जो मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ ये तो खैर आज की नहीं है, ये कुछ दिन पहले की, तकरीबन ये हफ्ता 10 दिन पहले की है। ये मैं गई थी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भाई की इंगेजमेंट के बाद एनिमल्स के फार्म पर, कैटल फार्म पर बेसिकली, जहाँ पर बहुत सारी गायें थी। तो रास्ते में जाते जाते मैंने सोचा आपके साथ एक वीडियो क्लिप शेयर की जाए जिसको देख के आपको भी मज़ा आए। ये हम जा रहे थे कराची से बाहर मोटरवे की तरफ, वहाँ कराची से बाहर ये फार्म था, कैटल फार्म। बहुत सारे फार्म्स बने हुए थे जहाँ पर मेरे भाई की ससुराल वालों की वहाँ पे कोई जान पहचान थी, तो वहाँ पे हमें लेके गए थे। बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत फ़न किया। और आज जो कराची बारिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सिटी एरिया में, तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी, बहुत अच्छी बारिश हुई है कह सकते हैं। इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि हाईवे पर आज मुझे पता चला अम्मी के घर की साइड पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। हाईवे पर इतनी ज़्यादा हुई है कि मंडी, गाय मंडी जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ज़ेरआब आ गई है और सैलाबी सूरत हाल हो गई है वहाँ पर। और गुलशन मेमार की साइड पे जहाँ पे मेरी अम्मी रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। और क्योंकि इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे दोपहर से ही सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी, और हमारे यहाँ जिस जहाँ मैं रहती हूँ सिटी एरिया में कराची में, यहाँ शाम से शुरू हुई बारिश। चले खैर है, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और खैर आफियत की बारिशें बरसाए इंशाल्लाह, रहमतें वाली बारिश हो। बस मैं यही दुआ कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू इन एडवांस। ये देखिए ये कैटल फार्म आ गया है, MS कैटल फार्म। यहाँ पर हम गए थे और यहाँ पे बहुत सारे और भी फार्म्स बने हुए थे जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ पे जानवर बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे थे, लेकिन वही मंडी, तो जब हम गए थे तब मंडी बहुत चढ़ी हुई थी, बहुत दाम बहुत ऊँचे थे। नॉर्मल गायें भी जो पिछले साल 1-1.25 लाख की मिल जाती थी, इस साल उनके रेट 2.5 लाख और 3 लाख पे पहुँच गए थे। क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है तो गायों के रेट भी बढ़ गए हैं, बकरों के रेट भी बढ़ गए हैं, और सब डबल कीमत के थे। और मंडी में जानवर भी एज इट इज़ रखा हुआ था, चाहे वो फार्म्स हो चाहे मंडियाँ हो, सब भरी पड़ी थी। इंशाल्लाह इसके बाद आपके साथ मैं मंडी की एक वीडियो शेयर करूँगी, जो दो तीन दिन पहले मैं गई हूँ मंडी पर, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, आपको तो पता ही कराची में जो लगती है हाईवे पर, तो वहाँ की मैंने रिकॉर्डिंग की थी, गई थी मैं खास मंडी आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मंडी की होगी, तो वहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगी वहाँ पे मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और कौन कौन से जानवर देखे अपनी आँखों से। और माशाल्लाह वहाँ जानवर काबिले दीद थे और देखने लायक थे। जो लोग कराची में रहते हैं या कराची से बाहर रहते हैं, ज़रूर उनको एक बार मंडी में विज़िट करना चाहिए। खैर आज बारिश हो गई है तो आज तो मैं कह सकती हूँ मंडी में जानवरों की कीमत बाकायदा कम हो गई होगी, क्योंकि आज बहुत तेज़ बारिश हुई है कराची में। बहुत दिनों से प्रेडिक्शन थी जो आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई। ये कैटल फार्म भी बहुत प्यारा था, यहाँ बकरे बहुत प्यारे थे, बच्चों ने जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर प्यारे प्यारे बकरे थे, बकरियाँ थीं और मुर्गे, मुर्गियाँ, चूज़े और दुम्बे और हर तरह के माशाल्लाह से प्यारे प्यारे जानवर मौजूद थे। तो ये एक तरह से फैमिली पिकनिक हो गई थी हमारी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था बच्चों ने और मैंने और सब ने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही होगी ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है आपने। जितने सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ेंगे उतने मैं आपको, उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको बना के पेश करती रहूँगी। ये देख सकते हैं अभी मेरी बहन का बेटा है जिसने छोटी सी एक बकरी पकड़ी हुई हाथ में, और बहुत प्यारी है, बकरी का बच्चा था ये। मेरी पूरी फैमिली मौजूद है और सब इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर, बहन भाई, बहन के बच्चे सब माशाल्लाह से। यहाँ एक गाय ने जो है एक छोटा बच्चा भी दिया था यहाँ पर, बछड़ा, उसको भी सब उठा के गोद में वीडियोज़ और पिक्चर्स बनवा रहे थे। बहुत ही प्यारा सीन था माशाल्लाह, बहुत ही मज़ा आया उस दिन हमें और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह।
can take a night pretending it's all that I do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess I जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे जानवर बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत जानवर थे। कुछ के रेट बहुत ज़्यादा थे और कुछ के बहुत मुनासिब भी थे, तो लेने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी बार्गेनिंग कर रहे हैं और किस तरह ले रहे हैं। खैर माशाल्लाह से मेरी फैमिली मेम्बर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, मेरे अम्मी अबू और भाई के ससुराल वाले और भाई बहन के बच्चे सब मौजूद हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। और बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ मैंने बनाई जो आपके साथ शेयर भी की। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। जब तक दीजिए इजाज़त और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।